आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, ब्लॉक प्रमुख चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन है तैयार, 10 जुलाई को होगी मतदान और मतगणना। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के इलाहीबाग बंधे पर मंगलवार की रात मारपीट में घायल युवक के इलाज के दौरान हुई मौत, पुलिस ने दो हत्यारोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ ने कहा, जिले में अब तक 9,73,000 लोगों को लगाया जा चुका है कोविड का वैक्सीनेशन, प्रदेश में जनपद का 5वां स्थान। गंगा थाना क्षेत्र स्थित सोहगौरा पुल से युवक के नदी में छलांग लगाने की सूचना पर एसडीआरएफ तथा एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी, एसपी साउथ ने कहा, तलाश है जारी, जल्द ही युवक को किया जाएगा बरामद। वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारत स्काउट और गाइड के कार्यालय परिसर में किया गया पौधरोपण, संयुक्त शिक्षा निदेशक ने कहा, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए पौधरोपण है जरूरी। गोरखपुर में बुधवार को मिले 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,311, अब तक 842 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 61 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। देश में बढ़ते महंगाई को लेकर जिला महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा से चेतना तिराहे तक निकाला ताली थाली बजाकर पैदल मार्च, बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की मांग। बुधवार को जिला अस्पताल सहित 51 केंद्रों पर 11,258 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका, सीएमओ ने कहा, नहीं है वैक्सीन की कमी, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। और कोरोना संक्रमण के खात्मे के लिए शासन के निर्देश पर लगाया गया नाइट कर्फ्यू का बुधवार को भी देखने को मिला आंशिक असर, एसपीसीटी ने कहा, करे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, रहे सुरक्षित।